हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम बनाएंगे बघारे चावल। तो चलिए बघारे चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बघारे चावल। बघारे चावल बनाने के लिए हमें 2 कप्स चावल लेने हैं। उसको हमें कम से कम आधे घंटे के लिए भिगा के रखनी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आधे घंटे के लिए भिगा के रखा था। एक पैन में ऑयल लेंगे, मैंने ऑयल 3 टेबलस्पून लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। मैंने इसमें क्लोव्स डाली थी 2, इलायची 1 एंड 3 to 4 ब्लैक पेपर डाले थे मैंने इसमें। जब ये अच्छे से गरम हो गया तो मैंने इसमें ऑनियंस डाली थी, 1 स्लाइस्ड की हुई मैंने अनियन डाल दी है इसमें। ये देखिए मैंने अनियंस डाल दिया। अब इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे अनियंस को। ये देखिए हमारी अनियंस जो हैं वो गोल्डन फ्राई हो गई है। हाफ अनियंस मैंने रख ली थी बाहर निकाल के, क्योंकि मुझे गार्निशिंग के लिए यूज़ करनी थी। अब हम इसमें जो हमने राइस को सोक करके रखा था वो हम उसका पानी अलग निकाल लेंगे और फिर राइस को हम इसमें डालेंगे। फिर इसमें हम 3 कप्स वाटर डालेंगे और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और उसको लो मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे कम से कम 8 to 10 मिनट्स। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। ये देखिए हमारे राइस कितने खिले खिले बन के तैयार हैं। इसको हम बघारे चावल भी कहते हैं। थैंक यू।